आ जाओ उधर, पूजा वाली थाली उठा लो, मैं पूजा वाली थाली उठा लो। आज पूजा वाली थाल में थाली मैया सीता ने हाथ मिली और माँ भवानी के मंदिर में पूजा करने चली हैं। अरे देवी पूजन जाए रही सीता धरि के ध्यान भवानी को, एक हाथ में थाल ले चली एक में लोटा पानी को, जितनी सखियां संग में जाए रही सब में जो सुझा, आज मैया सीता ने पूजा की थाल को रखा और हाथ जोड़ करके बोली है, हे माँ भवानी बस मुझे ऐसा वर देना जो मुझे भी अच्छा लगे, मेरे घर वालों की भी इज्जत करे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया सीता जैसे ही मंदिर से बाहर निकली इतने में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पुष्प ढूंढते ढूंढते उसी बगिया के पास पहुंच गए। भगवान श्री राम जैसे ही मंदिर के बाहर पहुंचे इधर मैया सीता सामने पड़ जाती हैं। एक दूसरे को देखा है तो मैया सीता बड़ी तेज मुस्कुराने लगी। प्रभु श्री राम ने देखा, मैया सीता कह रही हैं ये कितने सुंदर हैं, काश मेरा विवाह इन्हीं से हो जाता, पर ये तो बच्चे हैं, क्या जाने धनुष का खंडन कैसे किया जाता है। अरे नजरिया ऐसी मिल गई राम रहे लक्ष्मण जी बोले, भैया बहुत बिगड़ गए हो तुम, दिन दहाड़े लड़कियां चढ़ रहे हो, चलो तुम्हारी गुरुजी से शिकायत करूंगा। अपने भैया का हाथ पकड़ा लक्ष्मण ने और लेकर के आ गए गुरुजी के पास। इधर मैया सीता अपने महलों में वापस आई। सीता जी सज रही है जैसे चंद्र उजिया,
चंद्र भगवान की जय। आइएगा कन्यादान हो गया। ऐली भमरिया होए अभी तो बेटी बाप की जकी पहली पहली बार बड़ के जवादू जी को पढ़ के जवादू जी को नाम मरवाया तू जी बामर पढ़ने लागी तू जी बामर पढ़ने लागी ती जी को नाम सावरिया सेठ की जय। इस तरह विधि विधान से प्रभु श्री राम भैया सीता का विवाह हुआ।